नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या एनजीओ भी अपना फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है? दोस्तों सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है, जिसके अंतर्गत कंपनियाँ अपने फ्रेंचाइजी नियुक्त करती है, कंपनियाँ अपने फ्रेंचाइजी को ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने फ्रेंचाइजी नियुक्त करती है और बैठ कर मजे से एक सिस्टम नियुक्त करके बड़ी अच्छी कलेक्शन और प्रॉफिट कमाती है। दोस्तों वही फ्रेंचाइजी मॉडल को मैं एनजीओ के बारे में अगर बात करूं तो क्वेश्चन होता है क्या एनजीओ भी अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू वर्किंग कर सकती हैं? दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग कर सकती हैं। केवल आपको आज मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं, अगर आपकी एनजीओ भी फ्रेंचाइजी के एलिजिबल है या आपकी एनजीओ में भी कुछ इस तरह की वर्किंग है जो आप समाज तक पहुंचा सकते हैं और आपको फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करके अगर आपकी अच्छी कलेक्शन हो जाए, बहुत दूर तक आप लोगों तक पहुंचा सके, तो आप अपने एनजीओ में फ्रेंचाइजी मॉडल जरूर तैयार करिएगा। दोस्तों क्या होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। एक टाइम में मैंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट की थी आज से 10 साल पहले। उनका टारगेट था कि वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को, मैंने ही एडवाइस किया था कि वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को मार्केट में लाएं और इस तरह से अपनी एनजीओ की वर्किंग करें। उस एनजीओ का मेन पर्पस था कंप्यूटर एजुकेशन देना, और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा भी और आप अपने एरिया में फील भी करना, क्योंकि इंडिया में रूरल एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को नहीं पता लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं। आजकल गवर्नमेंट उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रमोट कर रही है। सपोज कीजिए कि मुझे पता है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोला जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से गाँव में कंप्यूटर एजुकेशन के वैल्यू है, गाँव में हर पेरेंट अपने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहता है। अब दोस्तों अगर मैं चाहूँ या मेरे जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम तो बताऊँगा नहीं क्योंकि वो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं होते, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल बन सके, इस इन्फॉर्मेशन से आप भी अच्छा काम कर सके, इसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने एक ट्रस्ट बनाई और आपके ट्रस्ट में कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्किंग हो रही है, साक्षरता मिशन आपने चलाए होंगे, आपने सुना होगा, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा, बस आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कोई ट्रस्ट बनाई, कोई सोसाइटी बनाई, सेक्शन 8 कंपनी बनाई और आप रूरल एरिया में जाके वोकेशनल ट्रेनिंग या कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे लाएंगे? सपोज कीजिए कि आपने अपने एरिया में एक अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाया, आपको उसमें स्टूडेंट आ रहे हैं, आप उनसे फीस भी चार्ज कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं और एनजीओ के थ्रू आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब बराबर वाले गांव में या कुछ डिस्टेंस के बाद वहां पर ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज सारी आपकी है, सारे सिस्टम आपका है, आप उस गांव में किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि यहां पर मेरा दूसरा सेंटर खोलिएगा और सारा जो बैकअप है मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सारा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सारे जो टीचर हैं वो क्या ट्रेनिंग देंगे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें जगह आपकी होगी, सारा सिस्टम आपका होगा, कंट्रोल आप करेंगे, बस मैं तो आपसे ये फीडबैक लूँगा कि आप टाइम पे ऑफिस खोल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, और हम जो अर्निंग आएगी, जो हम फीस चार्ज करेंगे, जो स्किल दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जो फीस आ रही है हम दोनों डिवाइड करेंगे। ये होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। काफ़ी सारी एनजीओ ने ऐसा करा हुआ है। दोस्तों आप नोट करके देखना, अगर आपकी एनजीओ में कोई भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम या वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें 56 सेक्टर कवर होते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप भी अपनी फ्रेंचाइजी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ऑल ओवर इंडिया में दे सकते हैं अंडर ए वन सिंगल एनजीओ। और मजे की बात क्या होगी दोस्तों, अगर आपकी फ्रेंचाइजी एक बार सक्सेस हो चुकी होती है तो इन्वेस्टमेंट सामने वाले की होती है, प्रॉफिट आप कमाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि आपकी टेक्निक को वो व्यक्ति कर रहा है, उसने अपनी जगह ली है, उसने अपना ऑफिस खोला है, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब भी आप फ्रेंचाइजी मॉडल बनाएंगे तो दोनों में जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा एग्रीमेंट, पूरी फ्रेंचाइजी मॉडल इस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो जब आप ये एग्रीमेंट बनाएं तो ये बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी तरह से बनाएं, दोनों पार्टी में क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं, बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी तो आपका पार्टनर कहेगा हाँ ठीक है सर, आई एम वेरी हैप्पी और मैं आपको इतना पैसे दे देता हूँ और मुझे ये सारा सिखा दीजिए। जब वो एक बार सीख जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि आपको अवॉइड करके खुद ही वो सेंटर चला ले। तो इसी चीज़ को सेव करने के लिए हमें फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाना होता है, और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में सारे वो क्लोज डाले जाते हैं कि अगर उसने फ्यूचर में कहीं पंगा करा तो वो या तो मोटी पेनल्टी देगा
या फिर आपको उसके बदले में कोई कंपनसेशन देगा। इस तरह से फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाते हुए हमें काफ़ी सारी लीगल बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी एनजीओ में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट आप स्किल दे रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल जरूर तैयार करें और देखिएगा उसका रिजल्ट कितना अच्छी तरह से आपको पसंद आएगा। दोस्तों, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं आपको मजे के लिए ये बता दूँ कि जब आप फ्रेंचाइजी देते हैं तो आपको वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस मिलती है, रॉयल्टी फीस मिलती है। तो रॉयल्टी फीस क्या होती है, जब हर महीने आपको जितनी टोटल इनकम उसकी हुई है तो उसका 30% या 40% पहले आपको ट्रांसफर होगा, 60-70% उनके पास रहेगा जिन्होंने आपकी फ्रेंचाइजी ली है। तो आपको तो कुछ भी नहीं करना हुआ, केवल एक बार सिस्टम डेवलप करना है। और बिजनेस में तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत सक्सेस होता है और मोस्टली अच्छी कंपनियाँ अपनी फ्रेंचाइजी ही देती हैं। अब ये मॉड्यूल कुछ एनजीओ ने अप्लाई करा, मैंने उनकी काफ़ी हेल्प करी, तो इस हेल्प को अगर आप भी करना चाहते हैं, आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू। आप कमेंट में अपने SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा मेरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी रही होगी। थैंक यू दोस्तों।